अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ जुलेखा फिरोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओट्स और पालक का बना हुआ एकदम ही हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता, जिसको आप पेट भर के खा सकते हैं और अपना वेट लूज आराम से कर सकते हैं। ओट्स तो आप जानते ही है कितना हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो वेट लूज़ करने में मदद करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखता है। प्लस उससे हार्ट डिजीज़ के भी रिस्क जो है कम हो जाते हैं और हमारे बॉडी के जो गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उसको वो रिड्यूस कर देता है, यानी कि बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, और इंक्रीज़ करता है अच्छे वाले एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, जिससे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है अच्छी रहती है। साथ में हम यूज़ करेंगे पालक, जो अगेन एकदम बहुत ही हेल्दी फूड माना जाता है। सबसे पहले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप जो है ओट्स ले लिया है, क्विकर ओट्स ले लिया है। इसको जो है अभी मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब एक ग्लास जो है उसमें पानी ऐड करना है और अच्छी तरीके से ओट्स को जो है भिगा लेना है, सोक करना है इसको। इसको हमने आधे घंटे तक सोक करेंगे, ऐसे ही इसको रख देंगे साइड में। अब जो है आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं ओट्स जो है सॉफ्ट हो गए हैं और काफ़ी पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कप जो है पालक ले ली है, अच्छी तरीके से उसको धो लिया है, और आधा कप जो है रवा लेना है, सूजी, बारीक वाली सूजी ली है मैंने, ये इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब मिक्सी जार लिया है मैंने और जो ओट्स हमने भिगाए थे वो डाल दिया है। फिर उसमें सूजी ऐड करना है, रवा, हाफ कप रवा ऐड करना है, एक कप ओट्स में अपने हाफ कप रवा लेना है। अब जो पालक रखे थे धो के वो ऐड कर लिया है, एक कप पालक है ये। फिर दो से तीन हरी मिर्चें लेनी है, उसको हाथ से तोड़कर डाल देंगे, और तीन से चार कली लहसुन की लेंगे, वो भी डाल देंगे। फिर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया, और एक छोटा चम्मच जो है जीरा लेना है, वो डाल देंगे इसमें। अब दही ऐड कर रही हूं मैं, दो बड़े चम्मच फ्रेश दही डाल दिया है मैंने। अब इसका जो है पेस्ट तैयार कर लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है मैंने, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून, और मैगी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूं मैं 1 टेबलस्पून। फिर एक मीडियम साइज प्याज को जो है बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सब चीजों को जो है अच्छी तरीके से आपने मिला लेना है। बैटर जो है इस तरीके का होना चाहिए, जैसे इडली बैटर या डोसा बैटर होता है वैसा, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अब पैन जो है मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, तो उसमें जो है बैटर जो है इस तरीके से मैं डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। ज़्यादा नहीं फैलाना है क्योंकि एकदम पतला और क्रिस्पी नहीं होता है, ये सॉफ्ट डोसा होता है। अब जो है इसको पकने देंगे, एक साइड से जो है इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स एक साइड से जो है कुकिंग हो गई है। इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, अब चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर जो है हल्के हाथों से डोसा को जो है टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लेना है इसको, ऐसे प्रेस करते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। फिर से टर्न करके मैंने अच्छी तरीके से दोनों साइड से जो है इसको पका लिया है। इस तरीके का डोसा आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी है और अच्छा है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। अब इसको रोल करके टिफ़िन में दे सकते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के साथ में। एक हमारा जो है डोसा रेडी हो गया है, ऐसे ही जो है मैं बाकी भी प्रिपेयर कर लूँगी। एक और मैंने यहाँ पर डाल दिया है,
एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। सुबह के जल्दी में आप इसको आराम से बना सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज इंटेक जो है बहुत कम होता है। ओट्स जो है वेट लूज करने में बहुत हेल्प करता है और इससे पेट भी एकदम भरा हुआ रहता है। जो क्रेविंग्स होती है थोड़े थोड़े टाइम में खाने की, वो ये कम कर देगा। ज़्यादा भूख नहीं लगेगी आपको इसको खाने के बाद में, तो आप इसको कभी भी बनाकर आराम से खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये अगेन बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें पालक और ओट्स जो यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो है मैंने सारे पराठे जो बना लिए हैं और इसके साथ में सर्व करेंगे एक टॉपिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज ले ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने डाल दिया है। अब एक टमाटर ले लिया है, उसको भी चॉप करके रखा है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और एक चम्मच जो है मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक छोटा चम्मच, और थोड़ा हरा धनिया लिया है, और थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और नींबू स्क्वीज करेंगे। अब जो है इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, एक मिक्स दे देंगे और हमारी टॉपिंग भी रेडी है डोसा के साथ सर्व करने के लिए। यहाँ पर जो है मैंने सारे डोसा जो है प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, इसको जो है गरम सर्व करेंगे जो टॉपिंग हमने बनाए थे उसके साथ में। उसके साथ में जो है बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं एकदम ही हेल्दी और इजी रेसिपी है, बनाने में एकदम आसान है और कैलोरीज एकदम कम होती है इसकी। तो आप इसको आराम से पेट भर के खा सकते हैं इस तरीके से रोल करके। रेसिपी अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है अब तक सबसे पहला पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।